बिहार वासियों को सरकार ने दी सुविधाओं की सौगात। पटना में मल्टी लेवल पार्किंग समेत बिहार भर में 141 नई बसों की शुरुआत। 11 निगमों में जन्म प्रमाण पत्र समेत अन्य सेवाएं हुई ऑनलाइन। पटना में गंदगी को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने लगाई मेयर को फटकार। कहा, गंदगी को लेकर कोई टोके तो होना पड़ता है शर्मसार। तो आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, सब करते 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 अंत में गिनाते हैं लेकिन। हम घबरा जाते हैं कि सर लेकिन क्या बोल रहे हैं। कहा कि जरा पटना के सफाई पर ध्यान दीजिए साहब, 100 घड़ा पानी पड़ जाता है। पटना में राज्य सरकार के खिलाफ एनडीए का राजभवन मार्च। अपराध के साथ साथ कई मुद्दों पर रखी अपनी बात। जेपीएससी मामले को लेकर झारखंड विधानसभा में हंगामा। विपक्ष ने सरकार पर लगाया स्थानीय छात्रों की अनदेखी का आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट में कन्हैया कुमार की जमानत अर्जी पर टली सुनवाई। 29 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। कन्हैया पर है देशद्रोह का आरोप। इंटर की परीक्षा में 100 से ज्यादा छात्र निष्कासित। छपरा में चेकिंग से नाराज छात्रों ने किया हंगामा। शिक्षा मंत्री ने कहा, लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। जी मीडिया की खबर का असर। रेल टिकटों की कालाबाजारी करने वाले वैशाली रेल एजेंसी को आरपीएफ ने किया सील। कई संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद। एक शख्स गिरफ्तार।